आज की वीडियो में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट पे, पास्ट परफेक्ट। शॉर्ट में आई हैड डन, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हमें ऑलरेडी पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट हम कैसे, किस तरीके से हम उसको फ्रेम करते हैं, किस तरीके से हम उसको बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक फर्क है, जिस जिस जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आता है उस जगह को हैज और हैव हमें रिप्लेस करना होता है और वहां पे हैड लगाना होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं और पास्ट परफेक्ट में हम हैड दोनों जगह पर दोनों की को रिप्लेस करके हैज को भी और हैव को भी रिप्लेस करते हैं हैड से, तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट। स्टडी दिस एग्जांपल सिचुएशन। सुजैन वेंट टू अ पार्टी लास्ट वीक। पॉल वेंट टू द पार्टी टू बट दे डिड नॉट सी ईच अदर। पॉल लेफ्ट द पार्टी एट 10:30 एंड सुजैन अराइव्ड एट 11 o'clock। When Suzanne arrived at the party, Paul wasn't there. He had gone home. So see again. फिर से देखिए। Suzanne went to a party last week. Suzanne last week पिछले हफ्ते एक पार्टी पे गई। Paul went to the party too. Paul भी उस पार्टी पे गया। Past action है। वेंट दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो गया है तो इसका मतलब है पास्ट सिंपल टेंस है। बट दे डिडंट सी ईच अदर, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को वहां नहीं देखा। पॉल लेफ्ट द पार्टी एट 10:30, क्यों नहीं देखा, वजह आगे दिया गया है। पॉल क्योंकि पॉल ने पार्टी छोड़ी 10:30 पे एंड सुजैन अराइव्ड एट 11 o'clock और सुजैन वहां पहुंच गई 11 o'clock पे, तो वो निकल गया था, ये तब पहुंची, उसके बाद पहुंची। So, इसलिए when Suzanne arrived, यहां पे मैंने गलती से सारा लिखा था, Suzanne लिखना। When Suzanne arrived at the party, Paul wasn't there. Paul वहां पे नहीं था, he had gone home. ये had gone home जो है ये है past perfect. Had gone is the past perfect. Had gone past perfect है, had gone is past perfect. तो द पास्ट परफेक्ट इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट परफेक्ट होता क्या है, इसमें हैड होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज और पास्ट पार्टिसिपल होता है। अगर आपको प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट देखना है तो आप, और एक वीडियो मेरा यहाँ पे अवेलेबल है इसी यूट्यूब पे, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट ही मैंने टाइटल दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाते हैं और जहाँ जहाँ मैंने वहाँ पे हैज और हैव इस्तेमाल किया है वहाँ आपको रिप्लेस करना है हैज और हैव, उसको हैड से रिप्लेस करना है, दोनों का पास्ट हैड है, तो आपको पास्ट परफेक्ट पूरी तरह समझ आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी समझ आ जाएगा। तो फिलहाल आप याद रखिए द पास्ट परफेक्ट इज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जिस सेंटेंस में ये दो चीज़ें होंगी हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल वो है पास्ट परफेक्ट। तो ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये गॉन जो प्रेजेंट थी, तीन फॉर्म्स वर्ब की होती हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स कुछ ऐसे यहाँ हैं, गॉन जे गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटन, सीन सी सा सीन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, फिनिश्ड फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड, ये दोनों फॉर्म्स एक जैसी हैं, इनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जिनकी फॉर्म्स जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसी होती है उनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, तो जिनकी एक जैसी नहीं होती है उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो अगर हैड के बाद हमें फिनिश्ड आएगा तो हमें खुद ब खुद मालूम होना चाहिए कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि हैड के बाद पास्ट फॉर्म नहीं आती है, हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। डन ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, कट ये तीनों फॉर्म्स एक जैसी है, कट कट कट, कम कम केम कम, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होती है हेड के बाद।
अब आप इसकी हम यूज देखेंगे कि हम यूज के हैं कहां भी करते हैं. समटाइम्स वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट. कभी कभी हम बात करते हैं किसी चीज के बारे में जो चीज पास्ट में हुई होती है. उसको प्रेजेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है. हम उस सेंटेंस को या उस बात को पास्ट सिंपल में रखते हैं. देखिए, सारा अराइव्ड एट द पार्टी. सारा पार्टी पे पहुंची. या सुजैन अराइव्ड एट द पार्टी. हम सुजैन भी लिख सकते हैं, सारा भी लिख सकते हैं. सारा अराइव्ड एट द पार्टी. सारा पार्टी पे पहुंची. यहाँ पर आप फर्ज करो हम सुजैन की जगह सारा को रिप्लेस कर रहे हैं. सुजैन को रिप्लेस कर रहे हैं सारा से. सारा अराइव्ड एट द पार्टी. सारा पार्टी पे पहुंच गई. तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. ये सारा का पहुंचना पार्टी पे, ये स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट हम मानेंगे. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. देन इफ वी वॉन्ट टॉक अबाउट थिंग्स. और अब अगर हम उन चीजों के बारे में बात करना चाहेंगे, उन चीजों के बारे में, दैट हैपन बिफोर दिस टाइम, जो इस टाइम से पहले हुए, सारा के पार्टी पहुंचने से पहले. सारा अराइव्ड एट द पार्टी. This is the starting point of the story. Then, if we want to talk about things that happened before this time, अब अगर हम उस time की उस उन actions की बात करेंगे, उन activities की बात करेंगे, उन things की बात करेंगे जो इसके सारा के या सारा के आने से पहले हुए, we use the past perfect. तो उन चीजों को बयान करने के लिए जो सारा के पहुंचने से पहले हो गए, हम उन चीजों को बयान करने के लिए पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं. यही एक यूज है. फिर से मैं बताऊंगा, ये सारा अराइव्ड एट द पार्टी, ये पास्ट एक्शन है. तो अगर कोई चीज इससे पहले हुई होगी तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं. देखिए, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. ये माना जाएगा सारा अराइव्ड एट द पार्टी, ये माना जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी. Then if we want to talk about things, अगर हम बात करना चाहेंगे उन चीजों के बारे में, that happened before this time, जो इस टाइम से पहले हुई. किस टाइम से पहले? सारा के आने से पहले. जो काम सारा के आने से पहले हो गए, अगर हम उन चीजों पे बात करेंगे जो काम सारा के आने से पहले हो गए, तो उनको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में. किन चीजों को, किन एक्शंस को? जो एक्शंस स्टार्टिंग पॉइंट से पहले हो गए. स्टार्टिंग पॉइंट ये है सारा अराइव्ड एट द पार्टी. अब जो भी उस पार्टी में उससे पहले हुआ होगा, उस पार्टी में जो भी इससे पहले हुआ होगा, उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे. हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. देखिए, व्हेन सारा अराइव्ड एट द पार्टी, जब सारा पार्टी पे पहुंच गई. जॉन हैड लेफ्ट. जॉन चला गया था. दोनों पार्टी पे थी, दोनों ने पार्टी अटेंड की, लेकिन सारा, जब सारा ने अराइव किया, उससे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गया. इससे पहले ये हुआ था. क्या हुआ था? जॉन हैड लेफ्ट. हैड उसके बाद लेफ्ट, तो लेफ्ट लाजमन पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि हैड के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है. हालांकि लेफ्ट की, लीव की दोनों फॉर्म्स एक जैसे हैं, लीव लेफ्ट लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे हैड है, हैड के बाद लिखा गया है, तो हैड के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है. और एक एग्जाम्पल देखेंगे. When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat. When we got home last night, ये है starting point. जब हम घर पहुंची last night, we found, हमने पाया. क्या पाया? That somebody had broken into the flat. Somebody had broken into. ये है past perfect. ये इससे पहले, इस काम से पहले हो गए. किस काम से पहले? हमारे घर पहुंचने से पहले. गॉट मीन्स व्हेन वी रिटर्न्ड, व्हेन वी रीच्ड, व्हेन वी गॉट होम, व्हेन वी अराइव्ड एट होम. व्हेन वी अराइव्ड एट होम लास्ट नाइट, व्हेन वी गॉट होम लास्ट नाइट, वी फाउंड दैट समबडी हैड ब्रोकन इनटू द विंडो, इनटू द फ्लैट, सॉरी, दैट समबडी हैड ब्रोकन इनटू द फ्लैट. ब्रोकन इनटू मीन्स अंदर घुसा. ब्रोकन इनटू, तो देखिए आप, हैड के बाद ब्रोकन, ये पास्ट परफेक्ट है. ये पास्ट परफेक्ट यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये इस एक्शन से पहले हो गया है. जब हम घर पहुंचे, उससे पहले ही घर में कोई घुस गया था. और एक एग्जांपल, केरन डिडंट वांट टू गो. ये नेगेटिव सेंटेंस है. डिड है इसमें पास्ट पार्टिसिपल, डिड जिसमें आएगा पास्ट पार्टिसिपल होता है. केरन डिडंट वांट टू गो टू द सिनेमा विद अस. केरन हमारे साथ सिनेमा आना नहीं चाहती है, चाहती थी. बिकॉज शी हैड सीन द फिल्म, क्योंकि उसने फिल्म देखी थी. जो फिल्म वहां पे चल रही थी, इनका शेयर सीन द फिल्म, उसने फिल्म देखी थी. अब वो हमारे साथ नहीं आना चाहती थी. क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि ये उसका न चाहना, उसका आना, वो आना नहीं चाहती थी. इसका ये न चाहना, आना न चाहना, यानी कि नहीं आना चाहती थी वो.
क्यों आई आई थी, ये जो थी ये चाहत इसकी ना आने की चाहत जो थी, ये ना आने की चाहत जो इसे थी, इससे पहले ही उसने ये काम किया, ये काम ना आने की चाहत वाला काम ये इस काम के बाद है, तो पहले ये काम है, उससे पहले ये काम हुआ है। चाह ना आने की चाहत तब हुई जब उसने पहले फिल्म देखी थी, तो पहले ये फिल्म देखने का काम उसने किया है, उसके बाद उसने नानी की चाहत दिखाई, तो नानी की चाहत से पहले ये फिल्म देखने का काम उसने किया है। When I reached the station, the train had left. जब मैं स्टेशन पहुंच गया, When I reached the station, the train had left. ट्रेन निकल गई थी। When I reached the station, the train had left. जब मैं स्टेशन पहुंच गया, the train had left. ट्रेन निकल गई थी। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, दैट मीन्स कि ये एक्शन बाद में हुई, इससे पहले ये एक्शन हो गई। दोनों एक्शन रिलेटेड है, स्टेशन के साथ रिलेटेड है, तो ये एक्शन स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा, इससे पहले वाला जो काम हो गया है इसी के रिलेटेड, इसी स्टेशन के रिलेटेड जो पहले काम हुआ है वो रखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, जैसे ट्रेन है लेफ्ट। कंपेयर द प्रेजेंट परफेक्ट विद द पास्ट परफेक्ट। अब हम कंपेयर करेंगे थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को। देखिए, हु इज दैट वुमन, आई हैव नेवर सीन हर बिफोर। हु इज दैट वुमन, ये औरत कौन है, प्रेजेंट टेंस है। आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, बिफोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आता है। आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव सीन, अब देखिए, वी आरंट हंग्री, वी हैव जस्ट टेकन लंच, प्रेजेंट परफेक्ट। और वी आरंट हंग्री, We have just taken lunch. हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट हम उन एक्टिविटीज कैसे इस्तेमाल करते हैं जब एक्शन होती है पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन पास्ट में होती है, लेकिन रिजल्ट निकलता है प्रेजेंट में, रिजल्ट निकलता है प्रेजेंट में। तो हु इज दैट वुमन, ये कहता है हु इज दैट वुमन, ये रिजल्ट निकल रहा है किसी और एक्शन का, ये कहता है वो औरत कौन है। आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, ये इसने अभी कभी इसे नहीं देखा है, इसलिए ये इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये पूछता है कि कौन है ये, जब इसने देखी नहीं है तो इसको ये जानता नहीं है, तो ये पास्ट में इसने कभी देखी नहीं है, पास्ट में इसने इसको कभी नहीं देखा है, तो अब इसका रिजल्ट निकलता है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम, प्रेजेंट परफेक्ट हम उन एक्शंस के साथ इस्तेमाल करते हैं जो एक्शंस पास्ट में हुई होती है, लेकिन उनका रिजल्ट प्रेजेंट में निकलता है। वी आरंट हंग्री, हम भूखे नहीं है, ये रिजल्ट है। क्यों नहीं भूखे, वी हैव जस्ट टेकन लंच, क्योंकि हमने अभी भी लंच खाया है, प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव टेकन। अब देखिए आप पास्ट परफेक्ट, आई डिडंट नो हु शी वाज, मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। I had never seen her before. I had never seen her before. Past perfect. तो यहाँ पे भी past. ये action बाद में होती है, पहले ये होती है। I didn't know who she was. ये इसने देखी है, कोई लड़की इसने देखी है, इस आई ने कोई लड़की देखी है, कोई औरत देखी है। तो ये, लेकिन ये आप कह रहा है I didn't know who she was. मुझे पता नहीं है वो कौन थी। फर्ज करो ये क्यों आप ये बोल रहा है, ये अब किसी से मिला होगा, इसने उसे, उस आदमी ने उसे कहा होगा कि आपने उस औरत को ग्रीट क्यों नहीं किया, आपने उसको वेलकम क्यों नहीं किया। तो ये कहता है I didn't know who she was, मुझे पता नहीं थी वो कौन है। आई हैड नेवर सीन हर बिफोर, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। वी वेरंट हंग्री, हम हंग्री नहीं थे। वी हैड जस्ट टेकन लंच, हमने उससे पहले ही खाना खाया था। जब आपने, फर्ज करो ये ऐसे बोल रहा है, जब कोई इंसान इनको कहता था कि खाना खाओ, किसी इंसान ने इसे इन्हें कहा था कि खाना खाओ, इन्होंने नहीं खाया है। अब वो इंसान इन्हें दोबारा मिलता है, वो इन्हें कहता है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया उस वक्त, उस दिन जब आप मेरे घर आए थे। ये बोलते हैं वी वेरंट हंग्री, हम हंग्री नहीं थे। वी हैड जस्ट टेकन लंच, हमने उससे पहले ही खाना खा लिया था। तो यह है कंपैरिजन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के दरमियान। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, अगले वीडियो में मजीद कुछ बातें करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।